बैक द न्यू एपिसोड। आज का ब्लॉग का जो स्टार्ट हो रहा है ना भाई, वो हो रहा है सुखदेव ढाबा से। और आप लोग ये सोच रहे हो भाई कि मैं एकदम से यहाँ पे कैसे पहुँच गया। फिलहाल भाई अभी जो है ना, मैं ना एक दो दिन के लिए ना भाई मेरा मन कर रहा था कि चल पहाड़ों में घूम के आते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ उत्तराखंड राइड पे, वो भी सोलो। एकदम से मैं घर से निकल गया लेकिन घर पे मैंने कुछ बताया भी नहीं। और भाई आते टाइम ना ठंड इतनी भयंकर लग रही, मैंने एक टी शर्ट ये जो फुल रख रखा रहता ना ये डाल लिया, और इसके नीचे देखोगे ना भाई ये पहन रखा था मैंने। मैंने बोला भाई जैकेट भी नहीं लाया, मुझे नहीं पता कि भाई कि एकदम से ना ठंड हो जाएगा ना। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद देखेंगे भाई कि वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड करूँगा कि आगे कहाँ पे जाऊँ। अभी तो मैंने फिलहाल कोई कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बस मैं घर से निकल गया और घर पे भी मैं थोड़ा सा झूठ बोल के आया हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। कहीं राइड करने का वो होता है ना जुनून, तो भाई झूठ वूट तो चलता है फिलहाल। एंड ये खड़ी भाई अपनी बाइक, दिल्ली से 70-80 किलोमीटर आने के बाद मैंने ब्लॉग यहाँ पे कंटिन्यू किया है। मेरा ये मन था कि भाई मैं ना हरिद्वार से कंटिन्यू करूँगा अपने ब्लॉग का, यहाँ से ना सीधे सीधे चलता हूँ। तो मैंने देखा भाई इसी वाले ढाबे पे ना एक और ब्लॉगर भैया थे, तो यार वो भी अपना ब्लॉग ना शूट कर रहे थे। मैंने बोला चलो यार वो शूट कर रहा, तो मेरा भी मन कर रहा यहीं से अपनी स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ से अभी हम मुझे जाना है हरिद्वार। हरिद्वार में जाने के बाद डिसाइड करूँगा कि आगे कहाँ जाऊँ। अभी मेरा सोलो राइड का प्लान यहाँ पे इसलिए है क्योंकि भाई इसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर जब मैं नेक्स्ट सोलो राइड करता हूँ तो भाई थोड़े से ना बड़े बड़े करूँगा, अगर थोड़ा सा घर से अगर परमिशन मिल जाता है तो। इसलिए मैंने बोला चलो भाई दो दिन ना देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बिना स्किप करे देखना, क्योंकि भाई आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट की वजह से ना भाई मेरा कुछ भला हो जाएगा। तो अब आप ये बोलोगे मैं बिना स्किप करे देखूंगा तो इसमें आपका क्या फ़ायदा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपने सोचा है अपने मन में कि इसमें आपका क्या फ़ायदा, लेकिन आपका तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके थोड़े से सपोर्ट की वजह से ना मैं थोड़ा सा हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ग्रो कर लूँ। तो आज का अपना राइड स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। तो सारे बोलो हर हर महादेव। अपना तो यही बंदा भाई, कुछ भी काम करने से पहले ना भोलेनाथ का नाम लेते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं, तो भाई अपना काम जो है ना बिल्कुल चंगा मंगा होता है। अभी मैं पहुंच गया हूं भाई हरिद्वार, और अभी का टाइम दिखलाता हूं ना भाई, अभी जो है ना भाई 4 भी नहीं बजे। और यहां पे आने के बाद ना भाई मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, मैं इतने सुबह सुबह पहुँच गया। और सुबह सुबह पहुँचने के बाद मैं देख रहा हूँ भाई लोग ना भाई नहा रहे हैं सुबह सुबह, मतलब पानी जो है ना भाई एकदम ठंडा, मतलब चिल्ड आ रहा है। और भाई मैं तो आने के बाद ना यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया कि भाई मैं यहाँ पे अकेला करूँ क्या। तो भाई अभी जो है ना भाई मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लॉग जो है ना भाई थोड़ा लेजी टाइप हो रहा है, क्योंकि भाई इतना दूर से राइड करने के बाद ना थोड़ा सा थकावट हो गया। तो भाई पहले यहाँ ना पहले चाय की चुस्की लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद भाई अपना ब्लॉग जो है ना भाई पूरा फुल पावर में कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर भाई आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद होटल नहीं मिलता है ना तो भाई ये देखो एक चटाई लो और कहीं भी बिछा के सो जाओ। मतलब भाई यहाँ से लेके ना वहाँ तक, मतलब पूरा एरिया में ना यहाँ पे सब ना यहीं पे ऊपर ही सो रहे हैं भाई गंगा किनारे। मतलब क्या है गंगा किनारे सोने में भाई कितना मस्त आनंद आता होगा ना। अभी का सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारे भाई ने भाई हरिद्वार में डुबकी मारी और सीधा निकल गया अभी ऋषिकेश में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे मैंने सूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि भाई वहाँ पे जो है ना इस टाइम रात हो रहा था। और अभी जो है ना भाई मैं ऋषिकेश आ गया, और ऋषिकेश में भाई यहाँ पे ना पीछे देख रहे हो अभी ना कुछ ही बस सनसेट होने वाला है। सनसेट का ना अभी टाइम लैप बनाऊंगा, बस थोड़ी देर में ना सनसेट भाई बहुत ही बढ़िया वाला हो जाएगा। एंड भाई ऋषिकेश का ना अभी का ना व्यू चेक करो भाई, क्या मस्त है भाई मॉर्निंग व्यू भाई, क्या मतलब दवाई है भाई। तो मैंने डिसाइड किया है यहाँ से मैं जाऊँगा मसूरी, और आज का जो डे है ना भाई पूरा ऋषिकेश से मसूरी, वहाँ पे जाके देखता हूँ भाई कि मसूरी में क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलता है। एंड भाई आज जो है ना मतलब मज़ा आ गया है सोलो राइड में, मतलब क्या बोलो भाई, मतलब एक तो वैसे ही भाई दिल्ली की गर्मी और यहाँ कहाँ पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा, ये चेक करो भाई कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाल भी जो है ना तुम्हारे भाई कैसे उड़ रहे हैं। मॉर्निंग का जो व्यू है ना भाई मत पूछो यार, मतलब जो आँखों से देखते हैं ना उसके लिए क्या ही बोले। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे ना भाई जब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई व्यू तो होता है भाई। मैं ना रात को ना सोया नहीं था, आज से ही ना राइड करे जा रहा हूँ। अब जो है ना भाई यहाँ से मैं निकलूँगा मसूरी, रूट तो नहीं पता, फोन में चलाऊँगा मैप एंड यहाँ से निकलेंगे मसूरी। मसूरी पे भाई जाके देखते हैं, वहाँ पे रूम लेंगे भाई, पहले तो जाके सोऊंगा उसके बाद ना भाई मसूरी एक्सप्लोर करूँगा। एंड मैं आपको भाई इस वाले वीडियो में ना मसूरी के लिए ना पूरा डिटेल दूंगा। आज की अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है भाई ऋषिकेश से, तो भाई आज की मॉर्निंग की स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। तो सारे बोलो हर हर महादेव। भाई यहाँ पे हमने अपने बाइक को जो है ना यहाँ पे पार्क कर दिया था, ये देखो भाई इतनी मिट्टी उड़ रही है ना भाई, कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई अपने बाइक को। ये भाई ये गंगा किनारे अपने बाइक को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया था, और ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है ना भाई इसके ऊपर ना अपनी बाइक को ना एक राउंड मार के आते हैं एंड फिर निकलते हैं भाई अपना मसूरी के लिए।
चलो मेरी बसंती, क्या हाल है, मस्त है भाई। जो है ना भाई इस वाले, यहाँ जब भी आता हूँ ना भाई ऋषिकेश, तो ये वाला जो ब्रिज है ना भाई, इसके ऊपर ना एक राउंड बाइक का तो जरूर घुमाता हूँ। एंड भाई ब्रिज के ऊपर जो बाइक चलाने का मज़ा है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब मज़ा आता है। और भाई ब्रिज के ऊपर गंगा माँ भाई कितनी प्यारी लग रही है, और भाई ये चेक करो मेरे सामने, देखो भाई क्या है, बोल सियापति रामचंद्र की, क्या मस्त पेंटिंग बना रखी है भाई, मतलब इस पेंटिंग के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है। चलो हमें तो बस एक राउंड लेना था इस ब्रिज का भाई, जब भी मैं ऋषिकेश आता हूँ भाई इस वाले ब्रिज पे एक राउंड लगाता हूँ भाई, मज़ा आता है इस वाले ब्रिज पे ना राउंड लगाने का। और भाई यहाँ से व्यू चेक करो भाई, क्या मस्त व्यू आता है भाई, ये देखो क्या मस्त लगता है यार यहाँ पे बाइक चलाने का भाई। यहाँ पे इस वाले ब्रिज पे ना बाइक चलाने का अल्टीमेट मज़ा आता है यार, एकदम मस्त भाई। क्या यहाँ पे हमने खोल दिया भाई मसूरी का मैप, क्योंकि मसूरी का रोड जो है ना मुझे पता नहीं है। और भाई यहाँ से दिखला रहा है 74 किलोमीटर, 2 घंटा 2 मिनट लगेगा। और अभी टाइम जो हो रहा है भाई वो हो रहा है 7:23, एंड देखते हैं भाई कि कब तक पहुँच जाते हैं मसूरी। इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे, हमें लेना है लेफ्ट, लेफ्ट जाके देखते हैं पूछते पूछते चले जाएंगे, क्योंकि अपने फ़ोन की बैटरी भी जो है ना भाई वो है अभी 49% भाई। यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू आ रहा है, और भाई ये देखो गूगल मैप ने कहाँ पहुँचा दिया भाई, घरों के अंदर बीच में जो गली जाती है ना वहाँ वहाँ से भेज रहा है। सही है भाई, सही है गूगल बाबा, सही है, आपके भरोसे से चले ना तो हो गया हमारा कल्याण। पहुँच गए हम मंसूरी और देख लिया हमने पहाड़। ये हमारी 15 रुपए की पर्ची, ये पर्ची किस चीज़ की कटी हुई है? ये नगर पालिका की पर्ची है। अच्छा नगर पालिका की, चलो साफ सफाई के लिए होता है। अच्छा अच्छा, मतलब भाई यहाँ का जो साफ सफाई का है ना उसके लिए यहाँ पे 15 रुपए की पर्ची काटी है भैया ने। बस कुछ इधर में पहुंचने वाले यहाँ से है भाई 8-10 किलोमीटर। ये देखो भाई वाटरफॉल छोटा सा भाई, जब 18-20 किलोमीटर रह जाएगा ना उसके बाद जो भाई राइड करने का मजा है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल कुछ है। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई ये है हमारा उत्तराखंड, हमारा कहाँ ये है भाई पहाड़ों का उत्तराखंड। और भाई कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई ऊपर से। अब फिलहाल अभी तो हमें भाई इसके और भी ऊपर जाना है, वहाँ से भाई पूरा भाई ये समझ लो कि यहाँ से ना पूरा सिटी दिखेगा। चलो आगे देखते हैं और आगे से और कैसा व्यू आता है। और भाई मुझे लग रहा है ना यहाँ पे भी ना हल्का हल्का ना बादल आया पड़ा है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कभी भी पूरे उत्तराखंड में अगर राइड करते हो या कभी कहीं घूमते हो ना, तो भाई एक चीज़ का ना बिल्कुल इग्नोर करना, वो चीज़ पता क्या है, वो है यहाँ का बोर्ड। मतलब भाई यहाँ से चलोगे यहाँ पे जैसे कि लिखा होगा मसूरी 22 किलोमीटर, आप 10-12 किलोमीटर जाने के बाद में ना वहाँ पे लिखा होगा मसूरी 20 किलोमीटर, मतलब ऐसा है भाई हर जगह है हर सब। मैं केदारनाथ भी गया था ना लास्ट टाइम, तो वहाँ का भी सीन आता ही था, मतलब तो ये देखो भैया की बलेनो जो है ना भाई, एक टायर जो है ना गड्ढे में चला गया। ये सीन पता है कैसे होता है, आप जो हो ना भाई नज़ारा देखने के चक्कर में ना ड्राइविंग भूल जाते हो, मतलब भाई थोड़ा सा सोचते हो कि चल एक सेकंड को देख लेते हैं, लेकिन भाई सीन लेकिन होता है ऐसा कुछ है, नज़र हटी हटी दुर्घटना घटी। सो के बॉस मैं पहुंच गया हूँ फाइनली मसूरी, एंड भाई यहाँ पे तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच गया है मसूरी। और भाई जब मैं आया था ना पीछे जो दिख रहा है भाई धुंध धुंध, ये सारा का सारा बादल है, और ये बादल जो है ना भाई सिर्फ 2 मिनट पहले आया है। और भाई जैसे ही मैं आया ना वैसे ही भाई साहब पीछे का क्या व्यू दिख। एक प्रॉब्लम अभी ये हो गई कि भाई कि अपनी GoPro की बैटरी जो है ना भाई पूरी डाउन हो गई, वीडियो भी इसमें बंद हो जा रहा है भाई, पहले तो अभी नहीं, अभी जो है ना भाई मैं
भाई बहुत ही मुश्किल से ना यहाँ पे एक रूम मिला है भाई। पहले जाते ही ना भाई गोप्रो की बैटरी चार्ज करता हूँ, क्योंकि भाई तीन बार जो गोप्रो है ना भाई डाउन बंद हो गया भाई, अब तीसरी बार अभी भी बंद हो जाएगा। पहले जाके गोप्रो को चार्ज करता हूँ, उसके बाद भाई नेक्स्ट बताता हूँ भाई कि यहाँ का क्या सीन रहने वाला और आगे हम यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। और भाई सो भाई जैसे मैं मसूरी पहुंचा भाई, मसूरी पहुंचने के बाद तुम्हारा भाई इतना थक गया था ना, थकने के बाद भाई एक होटल लिया, होटल लेते ही ना भाई सो गया। और अभी टाइम पता क्या हो रहा है, अभी हो रहा है शाम के, मतलब शाम तो अभी दिख नहीं रहा क्योंकि धूप हो रही है ना, अभी बज रहा है भाई चार। और भाई तुम्हारा भाई इतना थक गया था ना, थक के ना मतलब नींद जब आई ना मतलब पता ही नहीं चला। अभी तो मैं ज़बरदस्ती उठ के आऊँ भाई कि चलो उठ लेता हूँ, नहीं तो भाई मैं आज ना मसूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। और जब भाई मैं आया ना तो मेरे गोप्रो की ना बैटरी भी डाउन हो गई थी, नहीं तो मैं आपको नीचे से शूट कर रहा था शायद पिछले वाले वीडियो में पता लग गया होगा, रिकॉर्ड कर रहा था, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। और ये मेरा गोप्रो जो है ना भाई बंद हो जा रहा था। एंड भाई अभी जो है ना भाई चार बज रहे हैं एंड अभी मैं निकल रहा हूँ मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ का अभी का होटल का जो प्राइस था ना वो था भाई हर किसी का ना अलग अलग था, कोई 1800 मांग रहा, कोई 2700, कोई 800, कोई 1000, मतलब रूम के अकॉर्डिंग पैसे थे। और भाई क्या था इस टाइम तो सीजन के अकॉर्डिंग भी पैसे मांगते, तो भाई मैंने जो रूम लिया था ना उसका 1000 रुपये का मुझे रूम मिला। और भाई मसूरी पहुँचने के बाद भाई क्या सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहा भाई, जो मेरे पीछे दिख रहे हो पहाड़ के बीचों बीच ना ऊपर ही ऊपर ना आपको इतने सारे घर दिखेंगे भाई, क्या नज़ारा आता है। एंड गाइस ये वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप करता हूँ ये वाले ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में ना मसूरी का एक्सप्लोर करूँगा, उसमें ना सारी डिटेल दे दूँगा, रूम जो है भाई चीप प्राइस में ना कहाँ पे मिल जाएगा अगर आप कभी मसूरी आते हो तो, और घूमने को ना यहाँ कौन कौन सी जगह है ये भी मैं आपको ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में सारा शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।